भाई साहब बहुत दिनों के बाद कैमरा जाकर के उठाया हूँ, और जो फीलिंग आ रही है अंदर से ना बता नहीं सकता हूँ। तो भाई साहब कल जाकर के मैं निकल रहा हूँ एक बहुत ही लंबे राइड पे, करीब 2000 किलोमीटर का राइड होने वाला है, और फिर से मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे, और जो मज़ा है जो फ़न है वो काफ़ी ज़्यादा दुगना होने वाला है, क्योंकि अभी चल रहा है दिसंबर का मंथ, और पहाड़ों पे जो आपको पता है स्नोफॉल और ठंड दोनों बहुत ज़्यादा है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको जो टाइटल और थंबनेल देख करके आप आए हो कि पैकिंग में मैं क्या क्या सामान पैक कर रहा हूँ, क्या क्या मैं लेके जा रहा हूँ, सारा कुछ आपको दिखाते हैं। तो चलो बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय, और मेरे उम्र वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव व्लॉग। तो फिलहाल इस वक्त मैं छत पर हूँ, क्योंकि भाई साहब रूम में लाइट की बहुत कमी है, एक CFL से काम नहीं होता, क्योंकि GoPro का जो नाइट मोड है वो बहुत ज़्यादा बेकार है और उतना ज़्यादा अच्छा वीडियो नहीं बनता है एक CFL में। तो इस वक्त छत पे हूँ और सारा सामान मैं बैठ के अरेंज कर रहा था, जिसके कारण से फेस भी थोड़ा आपको डल लग रहा हो, क्योंकि दो घंटे से बैठ करके मैं छत पे चढ़ाई बिछा करके सारा सामान अरेंज कर रहा था, और अब समय आ गया है आपको दिखाने के लिए मैं राइड पर क्या क्या लेके जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि विंटर राइड होने वाला है, और विंटर राइड में सामान आपके सामने एक एक करके आपको सारा सामान दिखाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कपड़े से, और कपड़े में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप वेयर से। टॉप वेयर में मेरे पास यहाँ पे करीब मैंने 5 टी शर्ट लिया है, ये 5 हाफ टी शर्ट है, और ये एक ड्राई फिट है जो कि मैं अंदर पहनने वाला हूँ। और लोअर वेयर में है एक लूज़र है यहाँ पे, एक कार्गो पैंट है जो कि बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, ये एक डबल एक्सल मतलब 34 साइज का है, ताकि इसके अंदर मैं 3-4 लेयरिंग डाल सकूँ और आराम से कमर टाइट ना और कंफर्टेबल भी हो। एक डेनिम पैंट है यहाँ पे और एक कॉटन पैंट है। तो ये हो गया बॉटम वेयर, ये है मेरा रेनकोट, और ठंड के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये है एक वार्मर, एक है ये टॉप वार्मर, और हमारा ब्रह्मास्त्र, ये है -10 जैकेट क्वेचा का -10, ये एक स्पंक का हुड है, और ये पिछले साल मैं दार्जिलिंग से लिया था, एक नॉर्मल सा विंड चीटर या फिर एक हुड बोल सकते हो आप इसे। तो ये है। तो यार बहुत दिन से मैं एक स्पीकर लेने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आपको पता है केदारनाथ रेड में जितना भी सारा स्पीकर और जितना भी पावर बैंक वगैरह मैं लेके गया था सारा दोस्तों से मांगा हुआ था, तो स्पीकर लेने के बारे में सोच रहा था। इसी बीच मुझे एक कंपनी की तरफ से एक स्पीकर आया है दिवाली गिफ्ट, जाप नाम का एक कंपनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, तो मैं आपको स्पीकर दिखाता हूँ। और एक टचलेस डिवाइस भी आया है मेरे पास, जो कि कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है, क्योंकि कोविड के समय में कोई भी चीज़ को छूना मतलब पता नहीं क्या भाई, कौन सा जर्म कौन सा वायरस उसमें रहता है, तो एक टचलेस डिवाइस भी है। तो आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज़ है कि अगर आप नीचे दिया हुआ लिंक से ख़रीदते हो और एक कूपन कोड जो स्क्रीन पर आ रहा है, ये कूपन कोड से आप खरीदते हो, तो आपको टचलेस डिवाइस में 5% डिस्काउंट और जाप का कोई भी स्पीकर में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये गिफ्ट मेरी तरफ से आपको, चलो दिखाते हैं आपको। वैसे फेक अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ये है जाप का हाइड्रा एक्सट्रीम वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर, और ये मुझे आया है जाप कंपनी की तरफ से। इसे खोलते हैं, और ये है हमारा स्पीकर का डब्बा। एक हाथ से अनबॉक्सिंग करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। थैंक्स फॉर चूजिंग जाप। इसके अंदर है हमारा स्पीकर, स्पीकर को बाहर निकाल कर रख लेते हैं, साथ में कुछ मैनुअल वगैरह है, और ये एक हैप्पी नॉट हैप्पी का स्टिकर है। चलो बॉक्सिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। साथ में यहाँ पे एक चार्जर डेटा केबल टाइप बी है, और एक जैक है, क्योंकि आप इसे जैक के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे साइड रखते हैं और हमारा स्पीकर को अनबॉक्स करते हैं। तो भाई स्पीकर जो है ये मतलब 2-3 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसका थोड़ा आपको प्रॉपर से रिव्यू दूंगा, क्योंकि काफ़ी सही क्वालिटी है, जो ब्रांडिंग है जहाँ पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में, और स्पीकर का जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और स्पीकर को जो यूनिक बनाता है इसका रोबोटिक डिज़ाइन, और आपका यहाँ पर एक कंपस है, इससे आपको पता चलता है कि ये जो है पूरा एडवेंचर टूरर के लिए बना हुआ है। इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि ये है स्नो प्रूफ, डस्ट प्रूफ और वाटर रिपेलेंट है। और पीछे में आपको यहाँ पे एक माउंट मिलता है, जिससे आपको ट्राइपॉड वगैरह में माउंट करने में मदद आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर मुझे लगा, क्योंकि आज तक कोई भी स्पीकर में आपको यहाँ पर माउंट नहीं मिलता है। तो चलो फटाफट स्पीकर को कनेक्ट करते हैं हमारे मोबाइल से, और प्ले करके दिखाते हैं आपको कुछ बढ़िया सा शंकर भगवान का गाना। अब
बात करते हैं ठंड से थोड़ा और प्रोटेक्शन का। ये एक लंबा सा मोजा पुलन सॉक्स मुझे मिला नहीं, ये एक टोपी, एक बलकलावा, एक मफलर और ये वाला ग्लव्स जो मैं कोलकाता के डीकैथलॉन से लिया था, क्योंकि एक पहले जो मैंने दिल्ली से लिया था वो शायद केदारनाथ में कहीं मिसप्लेस हो गया। तो ये सारा सामान हो गया और ये मेरा राइडिंग ग्लव्स। ये चीज़ जो है सर्जिकल ग्लव्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्जिकल ग्लव्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप सर्जिकल ग्लव्स के ऊपर अपने नॉर्मल सा ग्लव्स डालते हो तो सर्जिकल ग्लव्स जो है वो रबर मटेरियल से बना रहता है और वो विंड को ब्लॉक कर देता है, और जो ठंडा लगता है भाई साहब हवा के कारण ही लगता है, ऐसा ठंडा लगता नहीं है। तो विंड ब्लॉक हो जाएगा तो ठंडा ऑब्वियसली कम लगेगा। ये जो टेस्टलेस डिवाइस है ये बना हुआ है मेड इन इंडिया, मेड ऑफ 100% कॉपर अलॉय मटेरियल दैट किल्स वायरसेस एंड जर्म्स अप टू 99.9%, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। एक क्यूट का थैली के अंदर ये आता है, जैसे कि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और भाई साहब देखो, वेट देखो इसका और चौड़ाई देखो इसकी, और बिल्ड क्वालिटी भाई साहब काफ़ी तगड़ा है। ये 100% कॉपर का बना हुआ है जिससे कि आप इसे मतलब बहुत तरीका से यूज़ कर सकते हो। पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो हैंडल वगैरह खोलने में काम आएगा, कोई सामान वगैरह उठाने में, जैसे कि मान लो ये स्पीकर में उठा रहा हूँ तो ये मैं ऐसे उठा सकता हूँ, मान लो मैं ये स्लीपिंग बैग उठा रहा हूँ तो इसे मैं ऐसे उठा सकता हूँ, अगर मुझे पब्लिक प्लेस में अगर कोई बाल्टी वगैरह रखा हुआ है मुझे उठाना है तो मैं ऐसे करके मैं इसे उठा सकता हूँ, ये बैग में भी उठा सकता हूँ ऐसे। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है और इसमें आपको 5% डिस्काउंट मिलता है अभिनव 5 कूपन कोड यूज़ करने पर, स्क्रीन पर आ रहा होगा और नीचे सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना एक बार चेकआउट करने का, लो या ना लो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चेकआउट भाई साहब जरूर करना। ये है मेरा नी गार्ड और एल्बो गार्ड का पूरा सेट, ठीक है। ये कैंपिंग में सामान यूज़ होने वाला है। ये मेरा बर्तन जिसमें मैं खाना बनाता हूँ। ये अभी कुछ 4-5 मैगी मैं लेके आ गया आपको दिखाने के लिए यहाँ पे, बाकी सारा मैगी नीचे रखा हुआ है। और ये रहा हमारा आसियाना, हमारा टेंट। केदारनाथ राइड से आने के बाद ऐसे ही टेंट है जो लास्ट हमने पैक किया था, कुछ खुला नहीं है। इसमें अभी केदारनाथ बाबा और केदारनाथ धाम की पूरी मिट्टी लगी हुई है तो अभी बहुत पवित्र माना जा सकता है इस टेंट को। ये है मेरा योगा मैट जो कि दिल्ली से मैंने लिया था आज़ाद नगर मार्केट से, 250 का ये मुझे पड़ा था। और ये स्लीपिंग बैग भी मैंने लिया था वहीं से, तो स्लीपिंग बैग भी आराम से डिसेंट टेम्परेचर मैनेज कर लेता है। इतना सारा कपड़ा अगर मैं पहन के स्लीपिंग बैग ओढ़ करके इस टेंट के अंदर रहूँगा तो आराम से ठंड जो है वो बर्दाश्त करने लायक हो जाएगा, आराम से -5 to -10 तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ इस सारे सामान के साथ। सारा सामान जो जाएगा ये मेरा सैडल बैग है। सैडल बैग जो है केदारनाथ राइड के बाद वो थोड़ा सा फट गया था, पीछे देख सकते हो यहाँ पे मैंने मोची से सिलाई करवाई है, और फटने का कारण यह था कि जो मेरा सस्पेंशन था बाइक का उसमें रगड़ रगड़ के पूरा फट गया। तो इस बार मैंने सैडल स्टे भी लगाया, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाने वाला हूँ। तो ये सैडल बैग के अंदर सारा सामान जाने वाला है। ये मेरा 2 kg का सिलेंडर है, ये देख सकते हो। इसमें फ़िलहाल अभी मेरे ख्याल से आराम से 200-300 ग्राम गैस होगा। अभी सारा सामान एक बार पैक कर लेते हैं फिर निकलेंगे, इसमें भी गैस भराना है। और ये है मेरा टैंक बैग, तो बस यही सारा सामान मैं लेकर के जाने वाला हूँ। और चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आपको सैडल स्टे हमारी बाइक का कि कैसे क्या जुगाड़ करके मैंने सैडल स्टे लगवाया अपनी बाइक पे। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और एक लाइक करना। और अगर नए हो, पहली बार आए हो ना, तो प्लेलिस्ट में जा करके केदारनाथ सीरीज को देखो, फिर डिसाइड करना कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं। चलो नीचे चलते हैं। तो ये रही हमारी बाइक, हमारी प्लेटिना, हालत ख़राब है, सर्विसिंग वगैरह सारा किया हुआ है लेकिन बाहर से थोड़ा मेकओवर की ज़रूरत है, इसे मैं वॉश करवा लूँगा। थोड़ा मोरा मैंने स्टिकरिंग वगैरह इसमें कराया है, यहाँ पे केदारनाथ 2020 का स्टिकर मैंने डलवाया है और यहाँ पे नेपाल 2019 का स्टिकर, और ये मेरा चैनल का स्टिकर है जो कि मुंबई से मैंने बनाया है। अगर आपको ऐसा स्टिकर बनवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर जा करके आप क्लिक करके इसके इंस्टाग्राम आईडी में जा करके वहाँ से स्टिकर ऑर्डर कर सकते हो। स्क्रैच प्रूफ और वाटर प्रूफ विनाइल स्टिकर है, काफ़ी अच्छे रेट में मुझे मिला। बात करते हैं सैडल स्टे के बारे में, तो ये रहा मेरे बाइक का सैडल स्टे। ऊपर से देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है, ये जो ग्रिल वाला जो लोहा आता है, ये लोहा आप देख सकते हो, ये चौड़ा वाला लोहा ग्रिल में जो लगता है, ये जो खिड़की का लोहा है, ऐसा ही लोहा को मैंने यहाँ पे बाइक में सीट के अंदर यहाँ पे एक निकलवा करके यहाँ से एक क्लैंप, एक स्क्वायर मैंने फ्रेम बनवाया, और साइलेंसर के ऊपर जो नट रहता है यहाँ पे, और लेडीज़ फुट रेस्ट के पास जो यहाँ पे एक नट है यहाँ पे मैंने ज्वाइंट करा लिया, और काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है क्योंकि कोलकाता राइड जब मैंने किया था तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन थोड़ा इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, एक सैडल बैग लगाने के बाद जो चौड़ाई है बाइक का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना मतलब इतना कम से कम आ जाता है, तो थोड़ा ट्रैफिक में देख के चलाना पड़ता है। तो भाई साहब जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक मैं निकल चुका हूँ राइड पर, क्योंकि कल सुबह ही मैं निकल रहा हूँ और अभी मैं पैकिंग करता हूँ फटाफट, और
ये वीडियो जो है इसके बाद थोड़ा दिन वेट करो, क्योंकि उसके बाद राइडिंग के वीडियोज़ आएंगे। ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा थोड़ी दिन बाद ही। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, हमारे राइडिंग वाले वीडियो में। और गेस करो मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि ये वीडियो के बाद जो राइडिंग वाले वीडियोज आने में टाइम लगेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं सुपर एक्टिव रहता हूँ। हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, हर बिहाइंड द सीन देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का जो यूज़र आई डी यहाँ पे आ रहा है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। बाय बाय एंड टेक केयर।